हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील ठाकुर, मैनेजमेंट सेंटर बाय सुनील ठाकुर में आपका स्वागत है। आज मैं जिस डिपार्टमेंट के ऊपर बात करने जा रहा हूँ, उस डिपार्टमेंट का नाम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान और विकास। इसमें जो मुख्य काम होते हैं, पांच मुख्य काम आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। अगर आप इसमें काम करने वाले हैं, आप काम करते हैं या फिर इसके इस डिपार्टमेंट के में काम करते होंगे, तो आपको एक अच्छा नॉलेज मिलेगा। और अगर इसमें आप काम करते होंगे तो आप तो बखूबी आप जानते होंगे। चलिए, जो मुख्य पांच काम है उसका एक एक करके हम जानते हैं। पहला क्या है कि क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स या इम्प्रूव ओल्ड प्रोडक्ट्स। जी हाँ, आपका चाहिए कि एक नया मतलब प्रोडक्ट्स बनाए या फिर जो आपका पुराना प्रोडक्ट होगा उसमें इम्प्रूव कीजिए। कस्टमर के मांग के अनुसार जो उसमें आपको सुधार करना है वो करते जाइए और मार्केट में लॉन्च करते जाइए। तो यह एक बहुत ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट वालों के लिए बहुत ही अच्छा काम है। अगर आप एग्जाम्पल में देखिएगा तो एक डोलो गोली आया था जो आप लोग जानते ही हैं, या फिर मोबाइल को आप देख सकते हैं। हर साल मोबाइल में कुछ ना कुछ चेंजेस करके नया साल फिर से लॉन्च किया जाता है, इससे कस्टमर को मांग मतलब काफ़ी रहता है और उनको एक अच्छा एक पिक्चर दिखाया जाता है कि ये नया प्रोडक्ट है, इसमें ये फीचर है, वो फीचर है। तो इस तरह से आपका प्रोडक्ट हमेशा मार्केट में लॉन्च होते रहेगा और अधिकतर मार्केट में बिकते रहेगा। आगे क्या है, कॉस्ट रिड्यूस, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कंपनी के ओनर होते हैं, जो मालिक होते हैं, वो जो प्रोडक्ट है तो उनसे बहुत उम्मीद रखते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट वालों से कि उसको कॉस्ट में रिड्यूस की मतलब किया जाए। आपको हमेशा कैसे उसमें कॉस्ट रिड्यूस किया जाएगा यह चीज़ को ध्यान रखते हुए प्रोडक्ट को बनाना होगा। अगला साल उसमें कम कॉस्ट लगना चाहिए, उसके अगला साल कुछ और कॉस्ट लगना चाहिए। तो इस तरह से आपको एक प्रोडक्ट पे डेवलप करना चाहिए। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं पार्ले जी। पार्ले जी बहुत पुराना है, मतलब एक बहुत अच्छा वैल्यूएबल मार्केट में पार्ले जी एक बिस्किट है। तो उसको आप 10 साल पहले से जाकर के देखिएगा तो उसमें हमेशा कॉस्ट रिड्यूस होते हुए जा रहा है। पहले 3 रुपये का पार्ले जी आता था, फिर 5 रुपये का पार्ले जी आया, उसमें बिस्किट की संख्या कम कर दिया गया। तो आप यह चीज़ आप देख सकते हैं और नए नए प्रोडक्ट से आप सीख सकते हैं। आगे है अप्लाई डेवलपमेंट प्रोडक्ट्स या फिर चेक बाय योर साइड। ये सब होने के बाद आप जब रिसर्च कीजिएगा तो अप्लाइड कीजिएगा, ये दोनों में थोड़ा मिलता जुलता पॉइंट है। तो उसको आपको अपने साइड से चेक करना पड़ेगा, क्वालिटी के भरोसे नहीं रहना है। आपको खुद उस पर रिसर्च करके मतलब आपके सामने में प्रोडक्ट पूरा उसमें क्या कमी कुछ ना रह जाए तो आपको जांच पड़ताल करना होगा। आगे है प्रोसेस फॉर प्रोडक्शन। जैसे ही आपका पूरा प्रोडक्ट है या पहले से जो प्रोडक्ट है उसके लिए तो आप लोग प्रोसेस देते होंगे प्रोडक्शन वाले को, एक एक प्रोसेस, और प्रोसेस में भी कॉस्ट रिड्यूस के साथ प्रोडक्शन अच्छा से जल्दी तेजी से तेजी आए। तो प्रोडक्शन के लिए जो प्रोसेस होगा वो आप बना के देंगे कि जो मतलब एक अच्छा जल्दी से हो और सस्ता में। आपको उसके बाद अंत में बात करते हैं रिलेशनशिप। एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं उनका रिलेशनशिप एक फाइनेंस वाले से बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यह जो डिपार्टमेंट है वो बहुत खर्चीला डिपार्टमेंट होता है। तो फाइनेंस के साथ और मालिक के साथ दोनों के साथ आपका एक रिलेशन जो होना चाहिए बहुत ही अच्छा रिलेशन होना चाहिए। आगे क्वालिटी और प्रोडक्शन से भी आपका बहुत बेहतरीन वहाँ पर रिलेशनशिप होना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।